I'm not the voice from this present lifetime. It has to be maybe from some other lifetime. That I believe in cosmic connections. I believe in energy. I believe in all these sorts of things. You know? मैं pessimist भी थी बहुत और मैं बहुत क्रिप भी करती थी. I sang that. I love that song. ये कैसे चाप. I sang that. And I must be a lost soul wandering for so long. Thank you, Rekha ji, for this opportunity and welcome to Voice of India, FM 89.7. Pleasure. Thank you. Such a beautiful spot you've got here. You said Voice of India. Ji. So there's a friend of mine from Pakistan based in Chicago. Ji. And ever since I've known him, he always calls me Voice of India. Really? So he has even tweeted, messaged on Facebook, like, जी. In posts, he's mentioned me as जी. Voice of India. Wow! So, एकदम suited है ये तो interview. आपने Voice of India की बात करी कि आपको Voice of India के नाम से जाना जाता है. Your voice will start with that only. Yeah. Your voice has an impact that is so rare. It is beyond, you know, boundaries, genres, ragas, and मैं गुलजार साहब के शब्द बहुत use करती हूँ. तो उन्होंने कहा आपके बारे में कि उनके अंदर एक रूहानियत है. इसे जी से यहाँ से अंदर से गाती हैं. उसके गले से गाया हुआ नहीं लगता, आवाज के साथ रूहानियत का एम्बियंस जुड़ा हुआ है. ये उन्होंने आपके बारे में कहा. ही इज द वर्ड स्मिथ. बट हाउ डू यू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ योर वॉइस विच इज सो यूनिक एंड सो डिस्टिंक्ट. या सो नाउ आई एम एबल टू बोस्ट. Generally, like I've been gifted, so जी. I would say a voice. ये जो रूहानियत है उसे रूदारी भी हम बोलते हैं जी. और एक सोज बोलते हैं उर्दू में. सोज है दर्द. रूदारी का ही एक अंग है अंग कहेंगे है. आप उसी का रूप है जी. तो ये गिफ्ट्स मिली मुझे. मैं कहूँगी मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दीज क्वालिटीज सिंस चाइल्डहुड. और घर में माहौल था तो जी. मम्मी पापा बड़ी बहन ने सीखा था तो वो सिखाती थी. पापा भी गाइड करते थे. और फिर गंधर्मा विद्यालय ज्वाइन किया दिल्ली में. मेरी पैदाइश और परवरिश जो है गंधर्मा दिल्ली में है और मैं शादी के बाद मुंबई आई हूँ. सो दैट्स हाउ. सो बिकॉज आई वॉज लर्निंग क्लासिकल एंड आई यूज टू सिंग गजल्स. आई नेवर वॉज टेम्पटेड टू इमिटेट एनी बडीज वॉइस. आई थिंक वो मेरे एक मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ. मैं बहुत ही सादगी सोचने वाली और दिल से मतलब मैं बोलती हूँ कि मेरा दिमाग भी जो दिल में है लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक माइंड थोड़ा बहुत अब कभी कभी चल जाता है जी. लेकिन एक सलाहियत जो मुझे शुरू से थी वो आई हैड दिस विजडम एंड इंटेलिजेंस ऑफ अबाउट द काइंड ऑफ म्यूजिक आई वॉन्टेड टू डू. सो आई वॉज आई स्टिल एम very deeply rooted into classical music, Hindustani जी. classical music. तो मुझे कभी मन नहीं किया कि किसी को मुझे imitate करना है. तो I am so influenced. I worship लता जी और मतलब सभी करते हैं but जी. मैं उनको बिल्कुल सरस्वती का रूप मानती हूँ. और but I never felt the urge to imitate her voice जी. I always thought के जो उनकी how she prepares a song, how she memorizes it, और कैसे वो बोलती हैं, कैसे वो जब गाने की एक मेलोडी है बट हाउ शी लैंड्स ऑन अ पर्टिकुलर नोट. तो वो क्लासिकल में भी आप सीखते हैं. तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू लर्न फ्रॉम दैट एंड आई हैव हैड अ प्रिविलेज टू सी हर यू नो डब फॉर विशाल. सो आई हैव सीन दैट शी वुड कम प्रिपेयर्ड. वो गाना पहले मंगा लेती थी उसके बाद वो व्हेन शी वुड कम इनटू स्टूडियो शी वुड रिमेम्बर द वर्ड्स शी वुड रिमेम्बर द ट्यून. जस्ट कुछ छुटपुट होगा उन्हें कुछ जो क्लैरिफाई करना है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट एवरी सॉन्ग दैट आई हर्ड अ डब वाज वन टेक. वन शी सेड के ओके टेक करें एंड टेक होता था. और एक उनका सिग्नेचर भी ज़रूर आता था मतलब गाने में.
she would follow the composer's melody, but ek kuch aisi jagah lagegi ki ye Lata ji hai. So I think that's what I've tried to learn from her, Asha ji, aur Lata ji ko zyada dekha, Asha ji ka bhi yahi hai. So that way I have done that, and even in classical, like when I was a student, I still am, but मैंने कभी नहीं सोचा कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय किशोरी मोनकर अलॉट या गिरजा देवी की ठुमरियाँ बहुत पसंद है, बेगम अख्तर की, बट आई नेवर फेल्ट द नीड टू साउंड लाइक दैम. आई ऑलवेज थॉट द कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो आई ऑलवेज ट्राइड टू गेट इन टू दैट कि वो कैसे सीखना है. और गुरु जी पंडित अमरनाथ जी से क्लासिकल सीखा, बाद में तो इंदौर घराना आई फॉलो, तो ही ऑल्सो एनकरेज इन टू दैट एंड ही ऑलवेज praised me for that originality, you know. कि अगर फिल्म का गाना बहुत कम ही कवर, मतलब गाने ही तैयार किए जो बिल्कुल ही बहुत पसंद हैं, लेकिन उनको मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इफ़ सपोज आई सिंग ऑन अ लो रेंज, आई नेवर ट्राइड के आई शुड अननेसेसरीली स्क्रीच माय वॉइस एंड स्क्रीम ऑन हाई पिच, यू नो. सो आई ऑलवेज सिंग एज माई ओन सॉन्ग इफ आई प्रिपेयर any of Lataji's song. You own up the song. I own up the song. So I think all that has added, and the riyaz. So I am very sincere about that, because I feel when you are blessed with so many qualities, absolutely, it becomes your responsibility. And I feel answerable to myself and to all the people I've got the opportunity to learn from, that I stay true to my music. I mean, मेरे लिए इबादत है, तो मुझे लगता है I cannot cheat. जी, आपने लता जी की प्रिपरेशन की बात करी, और मैंने आपकी प्रिपरेशन के बारे में भी बहुत कुछ सुना है कि you always very very rooted and very prepared when you arrive for. I prefer, yeah. कभी भी जब होता है कि गाना एकदम उसी वक्त करना है, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. मुझे लगता है कि sometimes I say I'm maybe not that professional. Or maybe I belong to that old school where you have to prepare your song, because I feel it has to become part of me. It has to come from my being, from my soul. And for that, you need to absorb. हम एक दिन में किताब पढ़ के तो एग्जाम भी नहीं देने जाते. सो मुझे लगता है वो जो लोग कर पाते हैं, बहुत बड़ी क्वालिटी के आते हैं, सीखते हैं और आधे घंटे में दो घंटे में गाना गा के, एंड दैट्स एक्चुअली a very big quality, because they're prepared like that. उनका पूरे training उन्होंने इस तरह की, उनका grasp उस तरह अच्छा रहता है, but I cannot do that. I feel मैं गाने के साथ justice नहीं कर सकती फिर. आपके एक interview में मैंने पढ़ा था, which was very fascinating, कि आपने कहा कि I'm a melancholic person and I'm quoting you, I think I must have been a heartbroken woman in my last birth. So you have a special liking for tragic songs and you gravitate towards melancholy and tragedies, that's what I get. Yeah, from that. I'll say थोड़ा सा मैं अच्छा इसको clarify कर लेती हूँ, because I had said के whenever I've said, I still say that a part, major part of me is loves that melancholy. You know, when you see a beautiful sunset, I mean, so many times you feel that, now I understand a little about it. Otherwise, when I didn't understand, it would make me sad sometimes. And there's no reason. And you're loving it, and yet it just, and now I realize it's the longing. Yeah. I believe in lifetimes. I believe in cosmic connections. I believe in energy. I believe in all these sorts of things, you know. So I feel the longing is there, that that pull. And that's why so many songs, you know, when you want to close your eyes, I don't think, at least I won't like to hear some DJ song or a beat dance number. I think with everyone, when you want to relax, and that's what you want to do most in today's time and in such high-paced life. So, but as a child, I said, like, I must be a wanderer and I must be a lost soul wandering for so long that
as a child, I used to always cry a lot when I would listen to some of the songs of Lata ji. And you never know what you're carrying from the other lifetime. Even though I might not be in a physical past body, but yeah, there is so much. And I also feel now that maybe I'm not the voice from this present lifetime. It has to be maybe some from some other lifetime. That's why something must have remained unaccomplished. That's why I've been bestowed with those gifts to do that journey or complete it now. But again, I feel I still have to explore so much in my Hindustani classical music. Though I am able to incorporate my taleem learning in the songs that I sing, but still I want to do a matlab pakka raag main gana chahti hu, ek do kam se kam. तो वो तो अभी बड़ी लंबी जर्नी लग रही है, है लेकिन तो अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें. That's one of your aspirations. Yeah. That's beautiful. ये जो मैं विशाल जी की फिल्म की लाइन उठा रही हूँ कि मुझे भी मीना कुमारी से कॉम्प्लेक्स है. नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है. आपको नहीं है. I do not have मीना कुमारी सिंड्रोम at all. अच्छा, you have it. Okay. मुझे लगता है मुझे है, लेकिन आपने उसको बहुत खूबसूरती से समझाया. हाँ, so, मतलब ये जो फीलिंग, मतलब कि एक उदासी आपको जबरदस्ती रहने वाली उदासी नहीं है, बट एक टाइम तक हाँ गाने में भी, क्योंकि वो चीज ज्यादा थी कि इसलिए लगता था सब गवाते भी मेलनकोलिक सॉन्ग्स थे. नमक इश्का के बाद सब बदला. वेयर आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड एंड आई ऑल्सो फेल्ट के हर इंसान के एक आपका एक बेसिक नेचर है. तो माई बेसिक आई थिंक जो टेम्परामेंट है, मेरे सोल की जो पुकार है वो रूहानियत, जैसे गुलजार साहब ने भी कहा, तो जहाँ रूहानियत है, रूदारी है, तो मैं तो अगर आइटम सॉन्ग भी गाऊंगी तो मेरी वो रूदारी तो तब भी रहेगी. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ थिंग. सो आई यूज टू एंड आई स्टिल लव, अभी भी हम सनसेट देखते हैं, टाइम होता है तो हम लता जी के ही गाने सुनते हैं. और वो सुन के हमें बहुत नॉस्टैल्जिया भी होता है, विशाल और मुझे इंडिविजुअली भी सुन रहे थे. एंड सम टाइम्स विदाउट अ रीज़न यू जस्ट क्राई. सो देयर डजंट हैव टू बी अ रीज़न. और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि सो मैनी टाइम्स पीपल थिंक हाउ स्पिरिचुअल यू आर, एवरी वन इज़ अ स्पिरिचुअल. एंड पीपल थिंक कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे तो आप बड़े सीरियस होंगे. नो वे, व्हेन आई लाफ पूरी बिल्डिंग हिल जाती होगी. सो आई मीन स्पिरिचुअलिटी डजंट नीड टू बी सीरियस. मेडिटेशन डजंट नीड टू बी कि हम सिर्फ बैठे हैं ऐसे और आंख बंद करके बड़े सीरियस हो के, तो ही है. आई मेडिटेट वाइल डांसिंग बिकॉज आई लव डांस एज मेडिटेशन दी मोस्ट. सो कई जगह वो मिसकंसेप्शन भी है. सो मेलनकली इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. एंड अब वो आंसू भरी ये जीवन की राह में गाती थी जब मैं 5 साल की थी, मुझे क्या समझ आता होगा, वह मुझे सुकून मिलता था. आई थिंक सुकून इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब वो तो उन्हीं गानों में होता है. या बिकॉज आई थिंक दैट्स द कॉल ऑफ एवरी सोल, कम टू थिंक ऑफ इट. तो अब हमें ऑब्वियसली आप करियर में हैं, आप प्रोफेशनली तो आप सब गाएंगे, लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए कि वो अपने बेस्ट मोमेंट्स में या जब वो रिलैक्स करना चाहते हैं तब वो कौन से गाने सुनते हैं. दोज विल टर्न आउट टू बी दोज सॉन्ग्स दैट हैव दैट एलिमेंट ऑफ लॉन्गिंग, सोलफुलनेस एट इट्स पीक. लिरिक्स भी आप सुनिए वही होंगे. तो जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स में भी वो देर इज एन एलिमेंट ऑफ लॉन्गिंग. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक you put it so beautifully. I'll remember that now because it was something that and I'm also on a path, a spiritual path. Aap kahenge path nahi hai shayad, ye nahi nahi path hai, bilkul hai. Lekin aapne bade khoobsurati se ye bataya ki isme serious hone ka nahi hai. Spirituality is about shedding the boundaries really. Yeah, and inhibitions hamare tootne bade zaruri hain to know yourself. And I also feel ke ईगो समझ आने लगती है तभी वो मेल्ट होती है. समझ ही नहीं आती ईगो क्या है तो आप फिर ईगो में ही, आप कहते हैं शायनेस भी ईगो है. हाँ. पर हमको लगता है हम शाय हैं इसलिए हम सॉरी नहीं बोल पाते. लाइक आई हैव लर्न दिस, आई हैव लर्न के जेलसी, हेट्रेड, व्हेन यू डोंट लाइक समबडी, आई मीन ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ईगो. एंड द मोमेंट वी अंडरस्टैंड
the moment we accept, you start melting and you start melting in such a way that you won't even know. So और जो लगता है कि गुरुजी भी हमारे बोलते थे, हमारे मास्टर आए फॉलो ओशोज टीचिंग्स, तो वो भी यही कहना कि ग्रस्त आश्रम में या वर्ल्डली उसमें रहकर जब आप मेडिटेट करें तो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ आई फील वी ऑल सीक और एस्पायर टू हैव, बिकॉज दैट्स अ क्वालिटी देन यू ऊज आउट ऑफ योर सेल्फ एंड यू क्रिएट दैट ब्यूटिफुल environment around you also, because that's what you're reflecting to other people also. And it's beautiful, at least I feel. I feel beautiful about all this. I mean, that you're able to do everything. You're able to do everything that you want. And like Gulzar sahab ne hame hamesha ye sikhaya, success on your terms. एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी जो आपने अभी कहा कि गुलजार साहब इज योर सूफी सेंट, यू कॉल हिम योर सांता क्लॉज, गुलजार, या जी जी, एंड ही ऑलवेज एडवाइज्ड यू कि सक्सेस शुड बी ऑन योर ओन टर्म्स. या तो शुरू से ही आपकी मेंटोरिंग उन्होंने उस तरह से करी. हाँ, क्योंकि गुलजार साहब विशाल की वजह से मेरी उनसे मुलाकात हुई. माचिस के वक्त ये लोग म्यूजिक करते थे तो मैं भी जाती थी सेटिंग्स में, एंड दैट्स हाउ वो मतलब ही बिकेम पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल ऑल्सो. तो उसमें फिर वो देखते थे, रियाज कर रही हूँ अभी, याद दिला रहे थे उस दिन वही के मैंने कहा कि अब मुझे राग गाना है और वो वक्त कम मिलता है तो मुझे, मैं सब चीज़ें छोड़ के बस उस तरफ आ रही हूँ. एंड ही सेड के डू यू रिमेम्बर हैड टोल्ड यू, तो ही हैड टोल्ड मी कि योर ड्वेलिंग इज़ इन क्लासिकल म्यूज़िक, योर रूट्स आर इन क्लासिकल म्यूज़िक, तो तुम्हारी सक्सेस और सक्सेस की बड़ी डेफिनेशन सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव, जैसे आप समझें कि अगर आपको लगे कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं काम को उससे सक्सेस है, कितना काम मिलता है, कितना नाम है, तो शायद कभी भी ना लगे. बट आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ वर्क या कितनी लंबी इनिंग आप चलते हैं अपने काम में, आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट डिफाइन सक्सेस. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज, ही सेड कुछ भी कर लो बट तुम्हारी सक्सेस उसी से आएगी. एंड एक्चुअली अच्छे गाने गाए थे, बहुत कम गाए थे, लेकिन नमक इश्का से जब सक्सेस आई तो गायकी आई हैड नेवर थॉट, उसमें मैंने भी रियलाइज किया कि गायकी अंग इतना उभर के आया उसमें, जो रॉनेस वॉइस की थी, आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड थ्रू दैट सॉन्ग के उसके बाद गेंदा फूल हुआ. एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि कैसे ये रॉनेस है, क्या है, इतना रस्टिक. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्टडिंग माय ओन सिंगिंग एंड वॉइस. एंड आई रियलाइज कि जो म्यूज़िक सुना रेडियो पे कॉन्सर्ट्स में दिल्ली में, तो वो सब सबकॉन्शियस में बैठ गया कहीं. और जैसे ही उसको वो मौका मिला, विशाल ने वो इतना खूबसूरत कंपोज किया गाना, उसमें इतने चेंजेस हैं कि वहाँ एक गाने में सारे रंग आ गए. लाइक आई ऑलवेज फील के ऐसी भूख लगी, यू नो, जालिम की, वो आता है तो मुझे भी लगता है कि वो रेशमा जी के गाने में जो एक हुक होती थी, तो मुझे लगता है वो रंग उस धुन में उधर ऐसा आता है कि हमेशा वो सांपे जाके टिक जाओ और नीचे आओ. तो वो मैं हमेशा याद करती हूँ जब भी स्टेज पे भी गाऊं, तो उस जगह में मुझे हमेशा बस वो रेशमा जी मेरे दिमाग में आ जाती हैं कहीं. और वो ठुमरी सुनी, उसकी गायकी सब आ गई उसमें, यू नो, उसमें आता है जी, ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स दैट्स हिज फेवरेट सॉन्ग टू, एंड अदर वन, एंड दैट्स हाउ आई गॉट वर्क फ्रॉम आउटसाइड, यू नो, जी कंपोजर्स. उससे पहले ऑल्दो ये हो सकता है कि वो गाना मैंने बाद में सुना हो, एक वो दिन भी, हाँ, मतलब वो वाला नोबडी कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर दैट सॉन्ग दैट टाइम, एंड देन लेटर आई रियलाइज्ड नोबडी न्यू हु आई एम, दे वर कंफ्यूज्ड. एंड नाउ व्हेन आई मीट पीपल, सो समटाइम्स दे डिडंट इवन नो आई हैव संग इट, सो दे विल से, you know, I love that song, ek wo din bhi the, and then I'll say, I sang that, I love that song, ye kaise chap, I sang that, so it's so wonderful.